सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों का वीडियो नहीं आ रही यार। मैं भी काफ़ी ट्राई कर रहा था कि वीडियो आ जाए, पर आने रही थी वीडियो। बेसिकली ये था कि लास्ट वीडियो मेरी आई थी तकरीबन 15 या 14 को आई थी लास्ट वीडियो मेरी अक्टूबर में। उसके बाद से मैं घर आ गया था, मतलब बिहार आ गया था उत्तराखंड से, और उस बीच में ट्रैवल करना पड़ा, और उसके बाद आने के बाद थोड़ा थक भी जाता है। तो मैं सोचा कि यार सीधा आप छठ का ब्लॉग बनाते हैं, कि बीच में इधर उधर का ब्लॉग बनाया कोई फ़ायदा है नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा आप देखोगे तो। लेकिन ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, काफ़ी करीब होने वाला है मेरे से। व्यूज़ आए ना आए, वीडियो मतलब वॉच टाइम आए ना आए, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर करता है कि पहली बार मैं छठ को कवर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ लेकर के, और उम्मीद है कि आपको भी ब्लॉग पसंद आएगी। वैसे मेहनत कर रहा हूँ मैं, पहली बार मैं उतना अच्छा एडिटर हूँ नहीं, फिर भी वीडियो से एडिट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत करके, तो आपको पसंद आती है, बहुत लोगों को नहीं भी आती है, तो कोई बात नहीं, वो सब बात ही नहीं। तो गाइस, सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉग जो है छठ पूजा को कवर करने वाला हूँ मैं इस ब्लॉग में, और आज जो है वो है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा बेसिकली क्यों मनाया जाता है, सब जगह अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ की मान्यता क्या है, हमारे यहाँ की मान्यता ये है कि गोवर्धन पूजा तभी मनाया जा, गोवर्धन पूजा मनाने के बाद जो होता है ना, तो शादी वादी जो होता है ना, बहुत लोगों की शादी नहीं होती है, लोग रिश्ता तय नहीं हो पाता, तो उसे मनाया जाता है गोवर्धन पूजा है। उसके बाद से लोग जो है लगन का कार्य शुरू आरंभ कर देते हैं, बहुत लोग के लड़के लड़की वाले भी आते हैं लड़का को देखने के लिए। ये सब ये मान्यता है, सबके अलग अलग मान्यता है, हमारे यहाँ ही मान्यताएँ हैं। और भाई दूज भी है, मनाते हैं हम गोवर्धन पूजा के साथ ही। तो भाई दूज आपको पता ही है कि मनाया जाता है, भाई के लिए मनाया जाता है बेसिकली, मेरे लिए भी मनाया जाता है, मेरे भाई दो हैं बहनें, काम उनकी है नहीं, ऐसे ही बस खाली खाना खाती हैं सोए रहती हैं। और पैसे पैसे चाहिए उनको, हर चीज़ पर पैसे चाहिए, राखी भी पैसे चाहिए, गोवर्धन पूजा भी पैसे चाहिए। तो ये सब चल रहा था, तो सोचिए बना देते हैं थोड़ा, मतलब इसको भी कवर अप कर लेते हैं गोवर्धन पूजा का। और बेसिकली जो ओरिजिनल जो छठ पूजा है, आए हाय कल से फाइनली शुरू होने वाला है, एक साल के इंतजार के बाद, मतलब एक यही तो एक पर्व है जिसमें हम घर आते हैं। मतलब बाकी अभी देखो, अभी छुट्टी छठ पूजा ख़त्म होगा, फिर छुट्टियाँ हमारी ख़त्म होगी, फिर हम चले जाएंगे कॉलेज, फिर जिताएंगे एग्जाम, सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद ना होली में, दशहरा में, ना फर्स्ट न्यू ईयर पे, कुछ मतलब नहीं है, आ ही नहीं पाते ना, तो सोचते हैं कि यार बहुत दूर है। लेकिन छठ में क्या है, कोई दूरी मायने रखता टिकट होना। अभी हमारे ना हमारे पास एक टिकट थी, हम दो लोग आए थे, और कैसे आए नहीं बता सकता, बस आ गए, आप इतना समझ लीजिए बस आ गए। बहुत मुश्किल था वो, मतलब काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में, मतलब क्या होता था, इसी कुछ तक में लोग खड़े होकर और लोग बैठ कर आए, ये आलम था बिहार आने का। तो यही सब चीज़ें हैं, तो यही सब चीज़ों के साथ यही तो इमोशन है, यही तो चीज़ें जो है याद रहती हैं कि हाँ भाई छठ में से, और दो तीन दिन की बात है फिर सब मायूसी में निकलने लगेगा, फिर अगले साल का इंतजार रहेगा छठ का। तो यही सब है, बाकी कल नहाए खाए है, और मैं मिलाऊंगा अपनी माता जी से आपको, और ये सोच रहा था कि फैमिली ब्लॉग भी बना दूं, मतलब सभी फैमिली के सभी मेम्बर्स को आपसे मिलाऊं, पर अभी छठ है तो माँ को मिलाना पड़ेगा क्योंकि माँ ही छठ कर रही है। तो मिलाऊंगा माँ से, बताऊंगा कि उनसे पूछूंगा, और आप सबको बताऊंगा कि नहाए खाए जो होता है वो क्यों मनाता है। तो बिहार में अलग अलग मान्यताएँ हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग मान्यताएँ हैं छठ पूजा को लेकर के, तो अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। हालाँकि पर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन ही होती हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो अलग अलग होती हैं। तो मैं मम्मी से बोलूँगा कि आप सबको बताए कि नहाए खाए क्यों मनाते हैं, और कल से जो हमारा छठ का महापर्व है, उसका 4 दिन का जो महापर्व है 4 दिवसीय, वो कल से शुरू होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ और काफ़ी नर्वस भी हूँ, पता नहीं ब्लॉग कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नहाए खाए को, और माँ से मिलाता हूँ आपको। हेलो गाइस, गेहूँ की रखवाली करते करते मैं थक गया हूँ, तो नींद आ रही थी, सोचा नींद से पहले थोड़ी सी ब्लॉगिंग हो जाए। तो आज नहाए खाए है, मैंने बोला था कि आपको माँ से मिलाऊंगा और मैं सब पूछूंगा कि नहाए खाए में क्या होता है। तो मैं गया था माँ के पास, यार बड़ी ही प्यार से उन्होंने देखी थी गिनती, पहले तो मना किया कैमरा सामने आने से, खैर ये कहती थी छठ के बाद करना, फिर मैंने इंसिस्ट किया तो वो चप्पल निकाल ली थी बड़ी प्यार से, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उड़ने वाली है चप्पल, मैं भाग गया वहाँ से। और अभी गेहूँ सुखवा दिया है, आज पिसवाने ले जा रहा हूँ। तो नहाए खाए में क्या होता है, बेसिकली नहाए खाए में जो व्रती होती हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चलती हैं, और स्नान ध्यान करके सारे घर की साफ सफाई करके भोजन बनाती है। और भोजन जो बनता है वो आज इतना तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है, दाल और लौकी, क्योंकि उसको कद्दू भी बोलते हैं, तो लौकी की सब्ज़ी बनती है घी में ही, और दाल बनती है, दाल भी घी में बनती है, और चावल, ये 3 चीज़ें बनती हैं जो व्रती लोग भी खाते हैं, और जो घर के लोग जो होते हैं वो भी खाते हैं। सबसे पहले व्रती खाती हैं, उसके बाद घर के लोग खाते हैं, फिर मिलवाता तो काफ़ी अच्छा होता, पर यार अब चप्पल कौन खाए उसके लिए। खैर माँ से तो मिलवाऊंगा ही मिलवाऊंगा, आज रात, आज नहीं कल रात को, कल जब ठेकुआ बनाने बैठेंगे तब तो मिलेंगे आप लोग। और बेसिकली अब यही है, नहाए खाए शुरुआत हो चुका है छठ का, और आप बोलेंगे तो बोझर से क्यों बोल रहा है, बोझर से नहीं बोला, मैं थक गया हूँ,
और बनाते हैं कल ठेकुआ और आपको सुनाते हैं कुछ हमारे लोकगीत भोजपुरी छठ माता का। और गाइस इतना कहना चाहूँगा कि सबसे नहीं हो पाता ये, मैं माँ की तबीयत ख़राब रखी है तो मैंने माँ से बोला कि यार माँ मैं कल का फास्टिंग ले जाता हूँ, आप परसों का फास्टिंग ले जाना। तो माँ बोलती है बेटा कम से कम 5 साल तो कर लेने दे मुझे, तो नहीं मानी है माँ की मतलब हेल्थ सही है नहीं पिछले कुछ दिनों से, फिर भी वो इंसिस्ट कर रही है। तो अब खैर सब छठी माता का आशीर्वाद मैं रखी हूँ अभी तक, तो सब हो ही जाएगा। और शॉपिंग वॉपिंग मैंने कर लिया गाइस, कुर्ता लिया मस्त ट्रेडिशनल लुक चाहिए होता थोड़ा सा, जीन्स वीन्स पहनने का वो मज़ा नहीं आता, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहता था। मैं सोचा था कि धोती पहनूंगा और कुर्ता पहनूंगा, पर पापा ने मना कर दिया कि धोती मत पहनो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी धोती नहीं पहनना, शादी के बाद पहनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यही है और मज़ा आ रहा है यार, मतलब आह जो गाने सुनने को मिल रहे हैं ना अगल बगल से, दिन भर गाने भाई छठ माता के, ऐसा लग रहा है कॉलेज जाऊँ ही ना, मैं जाने का मन ही नहीं कर रहा सर, कैसे जाऊँगा ना कॉलेज। तो फिर अभी आप लोगों के लिए वो गिफ्ट भी पैक करवा रहा था माँ से, उसके लिए मेरा वगैरह बनाने हैं, स्टिकर्स बनवाने हैं, तो टाइम लगेगा। अभी चलता हूँ, फिर मिलते हैं कल खरना के दिन, यानी कि रसिया और रोटी भी बोला जाता है बहुत जगह, और बहुत जगह खरना ही बोला जाता है। तो कल थोड़ा सा ज़्यादा लोड रहेगा, दिन भर बहुत सारा काम रहेगा कल, छठ पूजा की जितनी पूजा की सामग्री वो सब कल लाने होंगे, और बाकी वो दौरा वाला भी, और वो बहंगी जो बचकर जाता है तो दौरा बहंगी और वो सूपा सब लेना पड़ेगा, साथ सूपा आ गया है, दौरा और ये बहंगी लेना पड़ेगा कल। चलिए फिर गाइस मिलते हैं कल।